तो हम पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। मैंने आपको बताया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में चार इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड मैचुरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। और अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया है शुरू के तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, फिर हम लोगों ने पढ़ा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया है मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे मैचुरेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, यानी हम लोग समझेंगे फ्रूट के बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं क्लास 11th में ही। मैंने जब आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाया था क्लास 11th में, तो मैंने आपको वहाँ पे फ्रूट पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्रूट बताया था। और ये भी हम लोग वहाँ पे सीख चुके थे कि कौन से फ्रूट का कौन सा पार्ट एडिबल होता है। तो हम लोग फ्रूट को ऑलरेडी क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये करीब करीब 3 से 4 चैप्टर में आ जाता है अगर हम 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी को देखें तो। अभी मैंने आपको बताया कि मॉर्फोलॉजी में मिलेगा आपको, फिर आप अगर अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो अभी मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ये आता है क्लास 11th के ही एक दूसरे चैप्टर से, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रूट पे। और तो और हम लोग क्लास 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ ही रहे हैं इसको। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। करीब करीब कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है हर साल इससे। तो हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। हम लोग ये फ्लावर के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं इसको समझना, और मुझे लगता है कि आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते होंगे। मैं तो ये सोच पाता हूँ कि अभी तक आप लोग इस स्ट्रक्चर से भली भांति वाकिफ हो चुके होंगे। अगर आपको कोई गहरी नींद से भी उठा के पूछे तो आप बहुत आसानी से इसको बता पाओगे कि ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, और इसको आप बताओगे कि ये जो बेसल स्वेलन पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे ओवरी, और ओवरी के अंदर जो कैविटी होगी उसको हम लोग बोलेंगे ओवरियन लॉक्यूल, जिसमें एक या कई सारे इस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं जिसको हम लोग ओव्यूल या फिर इनटेगमेंटेड मेगा स्पोरेंशियम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल। और यहाँ पे ओव्यूल के अंदर आपको पता है कि एक सिंगल फीमेल गैमेटोफाइट होगी, और सिंगल फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये 7 से 8 न्यूक्लिएटेड होगी, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल इसके अंदर ये बैठी हुई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग शेल या फिर फीमेल गैमेट। और यहां पे नीचे प्रेजेंट होगा आपका थैलेमस, हाइड नोड पे प्रेजेंट होगा मेल सेक्स ऑर्गन या फिर कह सकते हैं एंड्रोसियम, एंड यूनिट ऑफ एंड्रोसियम को हम लोग बोलेंगे स्टैमेन, एंड स्टैमेन इटसेल्फ इज कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्सेटाइल फिलामेंट और एक सिंगल बाइलोट एंथर। और इस एंथर के अंदर यहां पे प्रोड्यूस हो रहे होंगे मेल गैमेटोफाइट्स जिसको हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन किसी न किसी डिफरेंट एजेंसी के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। अगर यहाँ पे कंपैटिबल पॉलिन आया तो इसमें जर्मिनेट होगी पॉलिन ट्यूब, जो कि स्टाइल के ट्रांसमिटिंग टिश्यूज को पेनिट्रेट करते हुए एंटर करेगी ओवरी में, फिर ओव्यूल में, और फाइनली एंटर कर जाएगी किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में, और यहां पे दो मेल गैमेट्स रिलीज करेगा। एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर लेंगे, प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। और ये जो दूसरा मेल गैमेट है ये इस फीमेल गैमेट या एक सेल के साथ फ्यूज करेगा, और इसके फ्यूजन की प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सिंगैमी, और इस प्रोसेस के थ्रू बनेगा एक डिप्लॉइड सेल जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, इसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट। और इस जाइगोट में रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होंगे जिसके थ्रू एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, और उस मैच्योर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो। और इस एम्ब्रायो से एक के थ्रू एक नया प्लांट बन जाएगा,
और ये बात हम लोग अभी तक पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट कन्वर्ट होगा किसमें, एम्ब्रियो में, पिछली क्लास में हमने बात किया कि उस टाइम पे ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में। एज द ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। तो ये बात हमको यहां पे समझ लेनी है कि जब जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में तो ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में, और उसी टाइम पे ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रूट में। यानी हमको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया कि ये जो फ्रूट है ये डेवलप होगा कहां से, ओवरी से। ये कहां से बनेगा, ओवरी से। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पे समझ लिया कि फ्रूट कौन से फ्लावर के पार्ट से बनेगा, ओवरी से, या फिर ऐसे कह लीजिए कि ओवरी डेवलप हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है या ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, मैच्योर में, तब जब जाइगोट एम्ब्रियो में और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इंटू सीड्स एंड ओवरी इंटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली, ये एक ही साथ होंगे दोनों की दोनों प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि पहले ये होगा फिर ये होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं एक दूसरे को एक दूसरे के बाद या पहले, वो अपने कन्वीनियंस के लिए। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि ओव्यूल्स का सीड्स में और ओवरी का फ्रूट में ट्रांसफॉर्मेशन या डेवलपमेंट साइमल्टेनियस डेवलपमेंट है, एक साथ, ये एक साथ होंगी दोनों की दोनों प्रोसेसेस। जब जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में उसी टाइम पे ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और इसी के साथ जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा उसी टाइम पे ओवरी कन्वर्ट होगा किसमें, फ्रूट में। तो मैंने आपको एक बात बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों प्रोसेसेस होंगी। इसमें कोई टाइम गैप नहीं है कि पहले कौन सा हो रहा है बाद में कौन सा हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी हमें लग रहा है। तो ये बात हमको समझ में आ गई, पहला पॉइंट हमको समझ में आ गया कि ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाएगी किसमें, फ्रूट में। किसमें डेवलप हो जाएगी, फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात आप समझिए यहां पे कि ओव्यूल को फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग क्या बोलने लगते हैं, सीड। जैसे कि ओवरी को फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बोलने लगते हैं, फ्रूट। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि सीड ओव्यूल को ही बोल रहे हैं बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फिर मैं बोल रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझिए, सीड ओव्यूल को ही बोल रहे हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, या फिर ऐसे कह लीजिए कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल को ही सीड बोलते हैं। यानी कि सीड ओव्यूल ही है, बस हम ओव्यूल को फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि सीड को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, क्योंकि सीड है ओव्यूल ही, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद हम ओव्यूल को सीड बोल रहे हैं, इसलिए सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोल देंगे। और कुछ नाम हमने बताए थे आपको, जैसे कि सीड को हम लोग इंटेग्मेंटेड मैच्योर इंटेग्मेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, क्योंकि ओव्यूल को इंटेग्मेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि सीड को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, राइपेंड ओव्यूल बोलते हैं, या मैच्योर ओव्यूल बोलेंगे, राइपेंड ओव्यूल बोलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट समझ सकते हैं कि फ्रूट को, जैसे हम लोग सीड को मैच्योर ओव्यूल, सीड को हम लोग फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड को हम लोग मैच्योर इंटेग्मेंटेड मेगास्पोरेंजियम, या फिर सीड को हम लोग राइपेंड ओव्यूल बोल रहे हैं, इसी तरीके से फ्रूट को हम लोग राइपेंड ओवरी बोलेंगे। तो ये एक पॉइंट और हमको समझ में आ गया कि फ्रूट को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज राइपेंड ओवरी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइपेंड ओवरी या मैच्योर्ड ओवरी, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए पिछले लेक्चर की, मैं वापस से इसको रिवाइज कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल जो है ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो दो प्रोटेक्टिव लेयर या कवरिंग्स है इस ओव्यूल की, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे इंटेगुमेंट। और ये जो इंटेगुमेंट है ये फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता था किसमें, सीड कोट में।
तो इसी तरीके से यहाँ पे जो ओवरी की वॉल है, इस वॉल को हम लोग बोलेंगे वॉल ऑफ ओवरी। फिर से समझिए इसको, हमने बोला कि ओव्यूल की वॉल को हमने क्या बोला, इंटेगमेंट, और ओवरी की वॉल को सिंपली हमने क्या बोला, वॉल ऑफ ओवरी। जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा तो इंटेगमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए, या सिमिलरली जब ओवरी फ्रूट में ट्रांसफॉर्म होगी तो वॉल ऑफ ओवरी जो है ये वॉल ऑफ फ्रूट में ट्रांसफर हो जाएगी या ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ओवरी की जो वॉल है, ओवरी की जो वॉल है, चूंकि ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ओवरी की वॉल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट की वॉल बनाएगी, फ्रूट की वॉल बनाएगी। और फ्रूट की वॉल को हम लोग बोल रहे हैं, फ्रूट की वॉल को हम लोग बोल रहे हैं पेरिकार्प, पेरिकार्प। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमको समझ में आ गई कि अगर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ओवरी की वॉल फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट की वॉल बनाएगी, और फ्रूट की वॉल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्प बोल रहे हैं। फ्रूट की वॉल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्प बोल रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर या ये डायग्राम मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी कि कौन सा स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के बाद किस स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि ये जो पेरिकार्प है जिसको हम फ्रूट की वॉल बोल रहे हैं, ये पेरिकार्प फ्लैशी हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है। जैसे कि एनसीईआरटी की बात करें तो ओएमजी में, मतलब ऑरेंज में, मैंगो में, या फिर कह सकते हैं गुआवा में। तो ये सब फ्रूट आप लोग देखे होंगे, जैसे कि मैंगो या गुआवा या फिर ऑरेंज की बात करें, तो इनका जो फ्रूट है, इसके चारों तरफ जो फ्रूट की कवरिंग है, वही तो पेरिकार्प है। जो छिलका जिसको बोलते हैं, फल का छिलका, फ्रूट की वॉल होगी, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्प बोल रहे हैं। और ये जो पेरिकार्प है, हमने कहा कि कुछ फ्रूट में फ्लैशी हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, जैसा कि आप लोग देखते होंगे आम जो है या संतरा जो है, ठीक है, या अमरूद जो है, इसकी जो कवरिंग होती है फ्रूट की वॉल जो होती है, ये बहुत क्या होती है, सॉफ्ट होती है। ये बात हमको बहुत आसानी से समझ आ रही है क्योंकि हम लोग ये सारे फ्रूट्स ऑलरेडी देखे हुए हैं, तो इसमें कोई कठिन बात नहीं है समझना। और ये ड्राई भी हो सकता है, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल अगर लें तो एमजी में, यानी कि मस्टर्ड में, मस्टर्ड में देख सकते हैं, और इसको आप देख सकते हैं नट्स में, या फिर स्पेसिफिकली हम बात करें तो ग्राउंड नट्स में। तो ये सारे एग्जाम्पल्स भी आप लोग ये सारे फ्रूट्स में देखे होंगे। अगर मस्टर्ड देखा है आपने, सरसों, तो इसकी जो कवरिंग होती है ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन, या फिर कह सकते हैं ब्लैकिश, वो ड्राई होती है, सूखी होती है। तो मैंने आपको बताया कि वॉल ऑफ ओवरी को हम लोग आफ्टर फर्टिलाइजेशन वॉल ऑफ फ्रूट बोलेंगे, और फ्रूट की वॉल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्प बोल रहे हैं। और पेरिकार्प जो है ये फ्लैशी हो सकती है कुछ फ्रूट की, और ये ड्राई भी हो सकती है कुछ फ्रूट्स की। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो है ये कुछ हमको पता होने चाहिए। और अगर हम थोड़ा सा और फ्रूट को डिटेल में बात करें, टाइप्स ऑफ फ्रूट की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, हम लोग इस डिटेल को कर चुके हैं ऑलरेडी 11th क्लास में, तो मैं यहाँ पे उसको रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे ये टॉपिक था ज्यादा डिटेल में, और यहाँ पे बहुत कुछ डिटेल में ये है नहीं। मैंने आपको बताया कि ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनाएगी फ्रूट, तो इसी बात के बेसिस पे मैं यहाँ पे दो बातें आपको बता रहा हूं। अगर फ्रूट बन रहा है सिर्फ और सिर्फ ओवरी से, ध्यान से समझिए इस बात को, अभी मैंने इसी बात को लिखा यहां पे कि ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाएगी, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाएगी, तो इसी बात को मैं वापस से दोहरा रहा हूं कि अगर फ्रूट बने सिर्फ और सिर्फ ओवरी से, सिर्फ और सिर्फ ओवरी जो है ये टेक पार्ट करे फ्रूट के डेवलपमेंट या फॉर्मेशन में, तब मैं ऐसे फ्रूट को बोलूंगा ट्रू फ्रूट। इसको मैं बोल रहा हूं ट्रू फ्रूट। जैसे कि ज्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स ही होते हैं। मैंने आपको बताया, फिर से समझ लीजिए, कि ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनाएगी फ्रूट,
फिर इसी को मैंने रिपीट किया कि अगर फ्रूट बन रहा है सिर्फ ओवरी से, तो ऐसे फ्रूट को मैं बोल रहा हूँ ट्रू फ्रूट, जो कि ज्यादातर केसेस में हमको देखने को भी मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं हमको जिसमें फ्रूट का फॉर्मेशन जो है ये ओवरी के साथ साथ कुछ दूसरे फ्लोरल पार्ट से भी होते हैं, जैसे कि थैलमस की अगर हम बात करें, और एग्जांपल पहले आपको मैं बताऊं तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जैसे एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है, कैजियो हो गया। तो ये जो फ्रूट्स हैं, एप्पल वगैरह, स्ट्रॉबेरी वगैरह, इसका जो ये फ्रूट है, इनके जो फ्रूट्स हैं ये डेवलप होते हैं ओवरी के साथ साथ थैलमस से भी। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर सिर्फ ओवरी फ्रूट बनाती, जैसे कि यहां पे हो रहा था, फ्रूट सिर्फ ओवरी से बन रहा था, तो इसको हम लोग ट्रू फ्रूट बोलते थे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे एप्पल और स्ट्रॉबेरी के साथ साथ अगर हम एग्जांपल और याद करें कैज्यू, तो ये एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैज्यू में ओवरी के अलावा थैलमस भी टेक पार्ट कर रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। वैसे तो होना क्या चाहिए था, फ्रूट का डेवलपमेंट केवल किससे, ओवरी से। अगर ओवरी ही सिर्फ फ्रूट बनाए तो हम ऐसे फ्रूट को बोलेंगे ट्रू फ्रूट, लेकिन एप्पल, स्ट्रॉबेरी वगैरह में ओवरी के साथ साथ थैलमस भी टेक पार्ट करता है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। एंड सच टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट, इसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई कि अगर ओवरी ही सिर्फ फ्रूट डेवलपमेंट में टेक पार्ट करे तो ऐसे फ्रूट को हम लोग बोलेंगे ट्रू फ्रूट, जो कि ज्यादातर केसेस में होता है, देखने को मिलेगा आपको। और अगर कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं हमारे पास जिनमें अगर हम फ्रूट को देखें तो ओवरी के साथ साथ यहाँ पे थैलमस भी टेक पार्ट करेगा फ्रूट के डेवलपमेंट में, तो हम लोग ऐसे फ्रूट को बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। तो हमारे पास दो कैटेगरी हो गई, दो टाइप्स के फ्रूट्स हो गए, डिपेंडिंग ऑन कि ओवरी ही सिर्फ टेक पार्ट कर रही है इनके डेवलपमेंट में, या फिर ओवरी के साथ साथ कुछ और फ्लोरल पार्ट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रूट के डेवलपमेंट में। अगर सिर्फ ओवरी से बन रहा है तो हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे, ओवरी के अलावा कोई दूसरा फ्लावर का पार्ट भी पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रूट के डेवलपमेंट में, तब हम ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये फ्रूट से रिलेटेड आप याद कर लीजिए यहीं पे, ये जो फ्रूट है इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रूट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंट रोल या फंक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू प्लांट के रेफरेंस में, मेरे रेफरेंस में, आपके रेफरेंस में नहीं, हम लोग तो खा जाएंगे उसको, बस इतना जानते हैं कि फ्रूट मिला नहीं कि अच्छा है तो खाओ, नहीं तो फेंको उसको, बस मेरे लिए तो इतना ही फायदेमंद है वो, क्योंकि हमें वो एज अ फूड सोर्स मिल रहा है, हम उससे नरिशमेंट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो सिर्फ वो हमारे लिए फूड है, सिर्फ वो हमारे लिए क्या है, फूड है। लेकिन प्लांट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जो फ्रूट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, सीड को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करता है, फैलाता है। सोच के देखिए कि एक मैंगो का प्लांट है, आम का पौधा है बड़ा सा, उसमें मान लीजिए कि थाउजेंड्स ऑफ मैंगो फ्रूट्स लगे हुए हैं, और अगर ये एक हजार मैंगो जो है एक प्लांट पे लगा हुआ है, अगर उस प्लांट से एक भी मैंगो कोई तोड़ करके कहीं ना लेके जाए, तो एक टाइम के बाद जब पूरी तरीके से ये राइपन हो जाएगा, पक जाएगा, तो गिर जाएगा उसी प्लांट के नीचे, और धीरे धीरे उसका जो पार्ट है वो डिकम्पोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सीड जब बचेगा तो वो आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ डॉर्मेंसी पीरियड जर्मिनेट करेगा, अगर सुटेबल इन्वायरमेंट है तो, यानी कि उसी प्लांट के नीचे 1000 प्लांट और बन जाएंगे, 1000 प्लांट और बन जाएंगे, और एक लिमिटेड एरिया में, एक लिमिटेड जगह पे बहुत सारे प्लांट अगर होंगे तो वो सब के सब न्यूट्रिशन लेंगे, मिनरल्स लेंगे, वाटर लेंगे सॉयल से, और सॉयल में ये सारी चीजें तो लिमिटेड है, तो एक टाइम के बाद जल्दी से खत्म होने को होंगी,
आपस में ये सारे प्लांट लड़ने लगेंगे, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉपर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पे छाया हो जाएगी पूरी तरीके से, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो नेचर ने प्लांट में फ्रूट इसलिए बनाया, फल इसलिए बनाया कि लोग इस फ्रूट को खाने के लिए यूज करेंगे और दूर दूर तक लेके जाएंगे और अपने प्लेसेस पे इसका एडिबल पार्ट यूटिलाइज करके, सीड अगर एडिबल नहीं है तो उसको फेंक देंगे, उसको फेंक देंगे। तो मान लो उस 1000 आम में से 10 और कोई ले गया, 10 कोई और ले गया, 20 कोई और ले गया, तो वो अपने अपने घर ले जाएंगे, अपने अपने शहर में ले जाएंगे, अपने अपने जगह पे लेकर के जाएंगे उसको, वहां पे खा करके सीड को फेंक देंगे, उस आम के सीड को, तो वो वहां पे नया प्लांट बनाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सीड को एक जगह से बहुत दूर दूर तक कई जगह पे फैला देने, और इसको, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड या सीड डिस्पर्सल। मैंने आपको बोला कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सीड डिस्पर्सल। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको पता होनी चाहिए। तो अगर फंक्शन या सिग्निफिकेंस पूछे फ्रूट का प्लांट के रेफरेंस या रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमको पता होना चाहिए या फंक्शन पता होना चाहिए कि ये सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करता है, या सरल भाषा में समझे तो सीड को एक जगह से कई जगह दूर दूर तक ये फैला देता है ताकि प्रॉपर प्लांट का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बता के खत्म करता हूँ इस टॉपिक को। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रूट का फॉर्मेशन होगा या डेवलपमेंट होगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द ओवरी, अगर हम ट्रू फ्रूट की बात कर रहे हैं तो, या फिर हम फॉल्स फ्रूट की बात कर रहे हैं तो भी, फ्रूट कैसा भी हो बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद ही, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो। मैंने आपसे ये कहा कि फ्रूट का फॉर्मेशन कब होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, इतनी बात समझ आती है हमको। लेकिन कुछ प्लांट स्पेसीज में फ्रूट हमको देखने को मिलता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, समझिए इस बात को, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, अभी इसको मत देखिए जाने दीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाएगी, यानी फ्रूट का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, फ्रूट का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन दूसरी बार अभी मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कुछ प्लांट्स में या कुछ ऐसे स्पेशीज में हमको फ्रूट दिखाई देते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कहीं कहीं पर यह फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के भी डेवलप होता है या बनता है। तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पार्थिनोकार्पी। इसको मैं बोल रहा हूं पार्थिनोकार्पी। तो ये बात समझ लीजिए आप, मैंने आपको ये बताया कि फ्रूट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से, फ्रूट बनेगा ओवरी से फर्टिलाइजेशन के बाद, लेकिन कहीं कहीं पे फ्रूट जो है ये डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, और अगर डेवलपमेंट हो रहा है फ्रूट का विदाउट फर्टिलाइजेशन तो हम लोग प्रोसेस को बोलेंगे पार्थिनोकार्पी। अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो मैं प्रोसेस को बोल रहा हूँ पार्थिनोकार्पी, और ऐसे फ्रूट को मैं बोल रहा हूं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो ये दूसरी बात भी आपको समझ में आ गई होगी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनोकार्पी, एंड दैट फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और एक बहुत छोटी सी बात आप सोच के देखिए कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या सीड्स बनेंगे,
कभी भी सीड्स नहीं बनेंगे। यानी मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो पार्थिनोकॉर्पिक फ्रूट्स होते हैं, ये सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एक बहुत फेमस एग्जांपल बनाना। बनाना में बीज या फिर कह सकते हैं सीड होता है क्या? केला खाए हो ना, उसमें सीड तो नहीं होता कि होता है? अब हो सकता है कोई सीड वाला केला किसी को मिल गया हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सही सोच पा रहे हैं तो जो बनाना है इसमें सीड नहीं होता है। सो बनाना इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना जो है ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के बना हुआ है। जबकि हमने अभी तक सीखा कि फ्रूट बनेगा ओवरी से फर्टिलाइजेशन के बाद, जब ओव्यूल सीड में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, उसी टाइम पे ओवरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है फ्रूट में, यानी फ्रूट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो फ्रूट है इसका डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के भी हो सकता है। यानी फ्रूट अगर डेवलप हो बिना फर्टिलाइजेशन के, तब हम ऐसे फ्रूट को बोलेंगे पार्थिनोकॉर्पिक फ्रूट, और फिनोमेरन को हम लोग बोलेंगे पार्थिनोकॉर्पी। और फ्रूट जो है पार्थिनोकॉर्पिक फ्रूट, ये फ्रूट सीडलेस होते हैं जैसे कि बनाना, सीडलेस होते हैं जैसे कि बनाना। और एक छोटी सी बात कि क्या हम इंड्यूस्ड पार्थिनोकॉर्पी करा सकते हैं? खुद से अगर मेरा मन हो किसी नॉर्मल प्लांट का फ्रूट जिसमें ऑलरेडी सीड्स बनते हो, जो ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन के बाद बनता हो, तो क्या वहाँ पे हम लोग पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं क्या किसी केमिकल की हेल्प से? तो ये बिल्कुल सही है कि पार्थिनोकॉर्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, और वी कैन से ग्रोथ रेगुलेटर्स। कुछ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनकी मदद से, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से, जिनको अप्लाई करके, जिनके एप्लीकेशन से हम लोग इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी करा सकते हैं। यानी कि वो सीड, वो फ्रूट्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हों, जिसमें अच्छे खासे सीड्स भी होते हों, उनको भी हम सीडलेस बना सकते हैं। उन फ्रूट्स को भी हम बिना फर्टिलाइजेशन के बना सकते हैं, यानी कि हम उसमें पार्थिनोकॉर्पी को क्या कर सकते हैं इंड्यूस कर सकते हैं। और पार्थिनोकॉर्पी को हम लोग इंड्यूस करेंगे या फिर इंड्यूस्ड पार्थिनोकॉर्पी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ और थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और ग्रोथ हॉर्मोन्स। मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ आपको। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, क्लास 11 में ऑलरेडी हम लोग इसको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन्स जो होते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्रोथ रेगुलेटर या ग्रोथ हार्मोन होता है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल वगैरह अगर मैं आपको याद दिलाऊं, IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, अगर ये एग्जाम्पल आपको याद आ रहा हो तो वहां पे ये बात जरूर याद आ गई होगी आपको कि क्लास 11 पे हमने पढ़ा था कि ऑक्सिन्स जो होते हैं ये पार्थिनोकॉर्पी को इंड्यूस करते हैं, स्पेसिफिकली इन टोमेटोज। तो अगर टमाटर देखा है आपने तो उसमें सीड्स होते हैं, टोमेटो में सीड्स होते हैं ना, लेकिन बहुत लोग अवॉइड करते हैं टमाटर के सीड को खाने से, फेंकते हैं, निकाल के फेंकते हैं उसको या नहीं खाते हैं। और ये एक मिथ भी है कि ये हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो टोमेटो है, जो टमाटर है, इसमें सीड होता है, लेकिन हम उसे अवॉइड करते हैं, खाते नहीं हैं। तो अगर हमको बिना सीड वाला टमाटर मिल जाए, टोमेटो मिल जाए, तो ये अच्छी बात है। और वैसे जो टोमेटो है या टमाटर है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है, यानी इसमें सीड होगा, लेकिन हम इसमें ऑक्सिन को अप्लाई करके इसको हम लोग सीडलेस बना सकते हैं, टमाटर बिना सीड वाला सीडलेस टोमेटो बना सकते हैं, और जो कि बहुत अच्छा भी होता है और कह सकते हैं महंगा भी दिखता है। तो ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकॉर्पी इन टोमेटोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्लास 11 का भी है।
इसे हमको याद रखना है। कुछ और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे जिबरलिक एसिड की या फिर जिबरलिंस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जिबरलिंस या फिर इसको हम जिबरेलिक एसिड बोलते हैं, तो ये जिबरलिंस या जिबरेलिक एसिड ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है, ये भी इंड्यूस कर सकता है पार्थिनोकॉर्पी को। और कुछ प्लांट्स में हमको देखने को मिलेगा कि वहां पे साइटोकाइनेंस की हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्थिनोकॉर्पी को इंड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यूजुअली नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस फ्रूट का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द ओवरी विद या कह सकते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन कहीं कहीं पे कई बार हमको बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट देखने को मिलते हैं, और ऐसे फ्रूट्स को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकॉर्पिक फ्रूट, और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इसको हम लोग बोलेंगे पार्थिनोकॉर्पी, और जो फ्रूट बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के उसको हम लोग बोलेंगे पार्थिनोकॉर्पिक फ्रूट। एंड पार्थिनोकॉर्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस फ्रूट्स, ये सीडलेस फ्रूट होंगे, लाइक बनाना, बनाना में सीड नहीं होता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। फिर मैंने आपको बताया कि क्या हम लोग आर्टिफिशियली पार्थिनोकॉर्पी को इंड्यूस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ या थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जैसे कि ऑक्सिंस। ऑक्सिंस इंड्यूस करता है पार्थिनोकॉर्पी को टोमेटोज में, टमाटर में सीडलेस टोमेटो बना देता है। और कुछ और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं पार्थिनोकॉर्पी को इंड्यूस करने के लिए ऑक्सिन के साथ साथ, जैसे ऑक्सिन तो है ही, जिबरलिंस या जिबरलिक एसिड हो सकता है, और हम साइटोकाइनिन की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, पार्थिनोकॉर्पी को इंड्यूस कर सकते हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे कंफ्रंट कर रहा हूं इस टॉपिक में कि क्या हर जगह पार्थिनोकॉर्पी या इंड्यूस्ड पार्थिनोकॉर्पी यूजफुल होती है या फिर कहीं भी यूजलेस होती है या फिर एडिविजिबल नहीं होती है। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि क्या हर केसेस में, हर फ्रूट में हमको पार्थिनोकॉर्पी इंड्यूस करा देना चाहिए, वो यूजफुल होगा, या फिर क्या कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हैं जहां पे हम अगर इंड्यूस्ड पार्थिनोकॉर्पी करा देंगे तो वो फ्रूट हमारे लिए खराब हो जाएगा, वो फ्रूट हमारे लिए क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यानी कि वहां पे कुछ ऐसे, मैं फ्रूट की बात कर रहा हूं, क्या उसमें ये इंड्यूस्ड पार्थिनोकॉर्पी यूजलेस है, क्या ये एडिविजिबल नहीं है? तो ये बात हमें अगर समझ में आ रही है कि हम पार्थिनोकॉर्पी की हेल्प से फ्रूट को सीडलेस बना दे रहे हैं, तो इसको हम सरल भाषा में समझ सकते हैं इन दोनों प्रश्न के उत्तर को, कि ऐसे फ्रूट जिसमें हम सीड ना खाते हो, फेंक देते हो, निकालना पड़ता हो हमको, उसमें अगर हम पार्थिनोकॉर्पी इंड्यूस करा दें तो हमारे लिए अच्छी बात है। जैसे एप्पल की बात कर लें, सीड निकाल के फेंकते हैं तो हम एप्पल में पार्थिनोकॉर्पी इंड्यूस कर दें, उसमें सीड नहीं होगा, पूरा का पूरा खा लेंगे उसको। इसी तरीके से अगर हम पाइन एप्पल की बात करें, इसी तरीके से अगर हम बात करें ऑरेंज की, तो उसमें हम सीड निकाल के फेंकते हैं, खाते नहीं हैं, अगर ऑरेंज में ना सीड हो तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। और अगर हम बात कर लीजिए कुकुम्बर या कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर को, तो कुकुरबिटेसी फैमिली में हमने आपको बताया था कि मेलन्स आते हैं, जैसे स्पेसिफिकली हम लोग बात करें वाटरमेलन की, तरबूज गर्मियों में भी मिल रहा था, उसमें भी जो ब्लैक कलर का सीड होता है हम लोग अल्टीमेटली उसको निकाल के फेंकते ही हैं, खाते नहीं हैं उसको। तो बिना सीड वाला वाटरमेलन या तरबूज हमको मिल जाए तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती है, कोई सीधा काटे और खा लिए। इसी तरीके से अगर हम पंपकिन की बात करें, लौकी, उसमें सीड ना हो तो भी अच्छा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर वो फ्रूट जिसमें सीड हम लोग खाते टाइम निकाल के फेंक देते हो, अगर उसमें हम लोग पार्थिनोकॉर्पी को इंड्यूस कर पाए विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इंपॉर्टेंट ग्रोथ हॉर्मोन्स, तो ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। तो दोनों के दोनों बातें हमको समझ में आ रही हैं, कि पहली चीज तो हमको ये समझ में आ गई कि बहुत सारे केसेस में जिसमें, जिन फ्रूट्स में सीड एडिबल पार्ट नहीं होता है, किसी दूसरे पार्ट को हम लोग खाते हैं, उसमें हम लोग इंड्यूस्ड पार्थिनोकॉर्पी अगर कराते हैं इन हॉर्मोन्स को यूज करके, तो ये हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी सही है कि कहीं कहीं पे इंड्यूस्ड पार्थिनोकॉर्पी एडिविजिबल नहीं होती है, क्योंकि ये एक यूजलेस प्रोसेस हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से फ्रूट की बात कर रहा हूं, वो फ्रूट जिसमें हम सीड ही सिर्फ खाते हो, अगर हमने गलती से उसमें पार्थिनोकॉर्पी इंड्यूस करा दिया तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है फिर, क्योंकि ये यूजलेस प्रोसेस हो गई, ये वेस्ट प्रोसेस हो गई, ये एडिविजिबल बिल्कुल कोई नहीं एडवाइस करेगा इसको कि भाई अनार में तुम क्या करो, इंड्यूस्ड पार्थिनोकॉर्पी कराओ थोड़ा सा।
क्योंकि ये जो अनार है या जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो पाम ग्रेनेट, तो ये अनार जो है इसमें हम लोग उसका सीड ही तो खाते हैं, अनार का सीड ही लाल वाला खाते हैं ना, रेड कलर वाला। और अगर अनार को या पाम ग्रेनेट को हमने पार्थिनोकार्पी करा दिया, उसमें उसको सीडलेस बना दिया, तो खाएंगे क्या उसमें हम, और फिर नई प्लांट भी नहीं बना पाएंगे उससे। तो अगर सीड ही इडिबल है फ्रूट में, तो हम वहां पे गलती से कभी भी क्या नहीं कराएंगे, इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी नहीं कराएंगे, क्योंकि बर्बाद हो जाएगा फ्रूट भी। तो आप समझ गए होंगे कि दो की दोनों बातें सही हैं, कि जो इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी है जिसको आर्टिफिशियली हम लोग करा रहे हैं, बनाना में तो नेचुरली हो रहा है, बनाना में तो नेचुरली हो रहा है, बनाना तो ऐसे भी सीडलेस है, वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है ही, उसमें ऑलरेडी नेचर ने भी ऐसा अरेंजमेंट रखा है कि उसमें सीड नहीं आते हैं, सीडलेस फ्रूट है, क्योंकि ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, क्योंकि ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बना हुआ है। लेकिन अगर हम इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी करा रहे हैं, तो दोनों बातें सही हैं इसके लिए, ये यूजफुल भी हो सकता है और ये यूजलेस भी हो सकता है, एडिविजिबल भी हो सकता है, नॉन एडिविजिबल भी हो सकता है। ये यूजफुल तब है जब हम ऐसे फ्रूट में पार्थिनोकार्पी करा रहे हैं जहां पे सीड नहीं खाते हैं, जैसे कि अगर हम कुकुरबिटेशी फैमिली की बात करें, एप्पल की बात करें। लेकिन अगर हम जैसे हम तरबूज की बात करें, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, सबसे बेहतर एग्जाम्पल मुझे लगता है वही है, पपाया की बात कर लीजिए, पपाया में सीड खाते हो क्या? नहीं खाते, तो वहां पे आप पार्थिनोकार्पी करा सकते हैं, अल्टीमेटली सीड को हमको फेंकना ही है, समझ पा रहे हैं इस बात को? और वहां पे ये डिविजिबल नहीं होती है, वहां पे ये वेस्टफुल हो जाती है या यूजलेस हो जाती है, जहां पे सिर्फ हम लोग फ्रूट में सीड ही खाते हैं, जैसे कि अनार या पाम ग्रेनेट की बात कर लीजिए, तो वहां पे कभी भी आप क्या नहीं कराएंगे, इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी नहीं कराएंगे। तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। एक बार मैं बहुत तेजी से इसको रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में हम लोग चार इवेंट पढ़े। पहले सबसे हम लोगों ने पढ़ लिया एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लिया आपस से फ्यूज करेंगे तो पेन बनेगा, सेंट्रल सेल को पेक बोलेंगे, पेक में तीन तरीके से डिवीजन के थ्रू एक ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनेगा। फिर हमने जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा, प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनी बोला। जाइगोट यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, इसमें रिपीटेड रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स के थ्रू फाइनली एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। मोनोकॉट डाइकॉट दोनों के एम्ब्रियो को हमने देखा और ये हमें समझ में आ गया कि मोनोकॉट में एक कॉटिलेडन होगा और डाइकॉट में दो कॉटिलेडन होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स, और सीड्स के स्ट्रक्चर भी हमने देखे। चार मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सीड में होते हैं, उन चारों स्ट्रक्चर्स को हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। सीड कोट, क्योंकि ओव्यूल कन्वर्ट होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें, सीड में, और इंटेगुमेंट कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में, आउटर इंटेगुमेंट आउटर सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे टेस्टा, इनर सीड कोट इनर इंटेगुमेंट से बनेगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे टैगमेन, और सीड के अंदर हम लोग देखेंगे तो प्रेजेंट होगा एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो का दो मेन पार्ट हमने आपको बताया, दो कॉटिलेडन्स होंगे डाइकॉट का अगर होगा तो, और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, और लेवल ऑफ कॉटिलेडन के ऊपर वाले पार्ट को एम्ब्रियोनल एक्सिस के हम लोग बोलेंगे एपिकोटाइल, टिप ऑफ एपिकोटाइल को प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल से शूट सिस्टम बनेगा, एंड द रीजन ऑफ और पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस और डाइसलम विच इज प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोकोटाइल, टिप ऑफ हाइपोकोटाइल को हम लोग बोलेंगे रेडिकल, रेडिकल से बनेगा रूट सिस्टम पूरा का पूरा एक्सेप्ट रूट कैप, कैलिप्ट्रा या रूट कैप नहीं बनेगा किससे, रेडिकल से, उसको बनाएगी एपिफाइसिस या एपिफाइजियल सेल से बनेगा, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि क्या प्रेजेंट होगा, एक माइन्यूट पोर प्रेजेंट होगा जो हमको दिखाई नहीं देगा जिसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोपाइल ऑफ सीड विच फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। फिर मैंने आपको बताया था चौथा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे हमने सीड को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस। एग्जाम्पल हमने वहां पे याद किया था, न्यूमेरिक भी हमने आपको बताया था, बरेली का काऊ मजे करे, पियाजी गांव बसे, तुम कुछ कुछ गोरे। लेकिन एक बेसिक बात याद रखनी थी कि मोनोकॉट में ज्यादातर मोनोकॉट में एंडोस्पर्मिक और ज्यादातर डाइकॉट्स में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, और कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जैसे कि कॉटन और कैस्टर डाइकॉट है लेकिन इसमें क्या है एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होता है, और जैसे कि हमने वेलिशनरिया एमार्फोफेलस पोथास या मनी प्लांट ये सब देखा था, इसमें हमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलता है, जबकि ये क्या है ऑर्किड्स वगैरह, जबकि ये क्या है मोनोकॉट्स हैं। ये सारे चीजें हमने पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर तक। आज हमने पढ़ा मैचुरेशन ऑफ ओवरी इंटू फ्रूट, हमें ये समझ आया
एज द ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। जब ओव्यूल्स सीड बनाते हैं तभी ओवरी फ्रूट बनाती है। द मीन इज दैट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली, ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ होंगी, कोई पहले या बाद में नहीं होगी। फिर मैंने आपको बताया कि जब फ्रूट बनेगा ओवरी से, यानी कि ओवरी जब फ्रूट में कन्वर्ट होगी तो वॉल ऑफ ओवरी वॉल ऑफ फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे पेरिकार्प। पेरिकार्प फ्लैशी हो सकता है, ड्राई हो सकता है। फ्लैशी होगा कहाँ पे, जैसे मैंगो वगैरह में या गोवा वगैरह में। ड्राई होगा कहाँ पे, जैसे मस्टर्ड में। और फ्रूट जो है अगर सिर्फ ओवरी से डेवलप हो रहा है तो ट्रू फ्रूट बोलेंगे, ज्यादातर केसेस में हमको देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स जो होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं। लेकिन अगर ओवरी के साथ साथ कोई और फ्लावर का पार्ट भी टेक पार्ट कर रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, जैसे कि एप्पल स्ट्रॉबेरी वगैरह में थैलमस अलोंग विद द ओवरी मिल करके क्या बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं, तब ऐसे फ्रूट को हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। फिर मैंने आपको बताया कि फ्रूट जो है ये सीड डिस्पर्सल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीड को एक जगह से दूर दूर कई जगह पर क्या कर देता है, ये फैला देता है, जो कि प्लांट के लिए बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने आपको बताया कि जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस फ्रूट्स बनते हैं फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर फ्रूट बने विदाउट फर्टिलाइजेशन तो प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी, ऐसे फ्रूट को हम लोग बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि बनाना। फिर मैंने आपको बताया कि हम पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और ग्रोथ हार्मोन्स, जैसे कि ऑक्सिन्स के हेल्प से हम लोग टोमेटोज में इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी करा सकते हैं, सीडलेस टोमेटो बना सकते हैं। और बहुत सारे फ्रूट में हम लोग इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी कराएंगे जहाँ पे यूजफुल होगा। लेकिन कई जगह पे इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी क्या है, यूजलेस प्रोसेस है, जैसे कि पामग्रेनेट में। इतनी बात हमको यहाँ पे समझनी थी। मुझे लग रहा है कि ये बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था फ्रूट। मैंने आपको बताया कि तकरीबन 3 चैप्टर में ये डिस्कस किया जाता है। तो एनसीईआरटी अगर किसी टॉपिक को 3 चैप्टर या 4 चैप्टर्स में डिस्कस कर रही है, मतलब वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कई सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत बार इन हार्मोन्स के नाम पूछे जाते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो गई कि कौन से प्लांट में, टोमेटो में ऑक्सीजन की हेल्प से हम पार्थिनोकार्पी करा सकते हैं। इस तरीके से पार्थिनोकार्पी पे ज़रूर से ज़रूर हर साल या फिर किसी ऑल्टरनेट ईयर्स में आ ही जाता है। तो एक बार इसको बहुत अच्छे तरीके से आप रिवाइज करिए। एक लास्ट टॉपिक इसके बाद हम लोगों का बचेगा, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, जिसको हम लोग जस्ट अगले लेक्चर में इसको करेंगे। फिर इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग 3rd चैप्टर।